नमस्ते एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल योगाचार्य विद्या में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस प्राणायाम की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। तो प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम जिस प्राणायाम की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस प्राणायाम की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी होती है। सुखासन में बैठ जाएंगे, यानी कि आलती पालती मार के बैठ जाएंगे। आप किसी भी आसन में अच्छे से बैठ सकते हैं जहाँ पे आप इजीली बैठ पाएँ। दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन हमेशा सीधी रहेगी। अब हमें क्या करना है, दोनों दांतों को आपस में मिलाना है, ऊपर वाले दांत और हमारे नीचे वाले दांत हमें आपस में मिलाने हैं। फिर हमें अपने मुँह से सांस लेनी है और अपनी नाक से सांस को छोड़ना है। तो इस तरीके से करेंगे। बहुत आसान है, हमें अपने मुंह से सांस लेनी है और अपनी नाक से सांस को छोड़ना है। जब हम अपने दोनों दांतों को आपस में मिला देते हैं इस तरीके से, तो जो हमारे दोनों दांतों के बीच में जो गैप होता है हम वहां से सांस लेते हैं और अपनी नाक से सांस को छोड़ते हैं। तो इस प्राणायाम में क्या होता है, जब हम अपने मुँह से सांस लेते हैं तो हमारी जीभ जो होती है वो गीली होती है। जब हम मुँह से सांस लेते हैं तो जीभ गीली होने के कारण हमारे जो अंदर सांस जाती है वो थोड़ी हल्की ठंडी होती है। तो उस कारण हमारे जो अंदर गर्मियों से होने वाले जो बीमारियां हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर जिनके पेट में हमेशा गर्मी रहती है, जो खाना पचाने वाला एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा बनता है, तो ये उसको भी शांत करता है और हमारे माइंड और बॉडी दोनों को शांत रखता है ये। जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में ये इस प्राणायाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप सुबह और शाम इस प्राणायाम की प्रैक्टिस दो बार कर सकते हैं और दिन में जब भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो या फिर बहुत ज़्यादा किसी बात पर गुस्सा आए, स्ट्रेस फील हो, तो आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। इस प्राणायाम का नाम है शीतकारी प्राणायाम। तो जब भी हम इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मुँह से एक सी ऐसी आवाज़ निकलती है, तो इसीलिए इस प्राणायाम का नाम रखा गया है शीतकारी प्राणायाम। किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए वो देखेंगे हम। जिन लोगों को लो बीपी रहता है, जिन लोगों को ठंडक ज़्यादा रहती है, जो लोग ठंडे एरिया में रहते हैं उन लोगों को ये प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी स्वस्थ लोग इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कि किसी को अगर मुंह का अल्सर है, पेट का अल्सर है, या फिर पेट का जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा बनता है, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जो गर्मी के कारण होती है, आप उसको दूर करने के लिए इस प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर करें।